हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 94 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ क्यू के रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डिटेल वीडियो ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट के, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ओके, अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे डाउनलोड करके, तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बायो का है। सेलेक्ट द न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस और मैकेनिज्म फ्रॉम द मेंशनड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। फर्स्ट यहाँ पे है पाचुरेशन, सेकेंड लैक्टेशन और थर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी पाचुरेशन, लैक्टेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। पाचुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म व्हिच बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटर्नल पिट्यूटरी। लैक्टेशन इज ऑल्सो अ न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस इन विच आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज टू इजेक्ट मिल्क टू फीड द न्यू बॉर्न। द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो इज द न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एचपीजी एक्सिस। द पॉलीसेकेराइड दैट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड इज, आंसर विल बी सी, इनुलिन। पॉलीसेकेराइड्स हैविंग वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एज ग्लूकन्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। इनुलिन इज द नेचुरली अकरिंग पॉलीसेक्राइड कंपोज मेनली ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स एंड इट कैन हैव अ टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट। सो इनुलिन विच कंटेन्स टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट्स इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड इनुलिन विच हैज नो टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट्स इज अ होमोपॉलीमर। बार बॉडी इज एबसेंट इन फीमेल ऑफ, आंसर विल बी बी, टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडी इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल्स। सिंस फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोजोम्स ओनली वन इज फंक्शनल एंड द अदर अंडर गोज क्वाइलिंग टू फॉर्म अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इंटरफेज नोन एज बार बॉडी। टर्नर सिंड्रोम इन इज फीमेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, दस बार बॉडी इज एबसेंट। द लिम्फॉइड ऑर्गेन विच प्रोवाइड्स द माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इज, आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी, यानी बोन मैरो और थाइमस। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन सच एज बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। हियर द इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इंटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। The enzymes that catalyze the removal of groups from substrates by mechanism other than hydrolysis by forming double bonds each, answer will be C, lyase. Enzyme that catalyze removal of groups from the substrates by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are called as lyases. They break large molecules into smaller molecule without involving water molecule. Which one of the following statements about enzymes is true? First, enzymes are protein whose shape does not help in their function. तो ये हमारा गलत है. Second कह रहा है, enzyme lower the reaction rate by lowering the activation energy. Okay, lower the reaction rate. The reaction rate को lower नहीं करता है. Okay. Third यहाँ पे है, enzyme हैज इंजाइम डू नॉट हैव सो अ हाई स्पेसिफिसिटी ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन. तो ये भी गलत है, हाई स्पेसिफिक होते हैं. इंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच. तो ये बिल्कुल सही है, आंसर विल बी डी, 1D4 इज करेक्ट. इंजाइम्स आर प्रोटीन्स व्हिच थ्री डायमेंशनल शेप इज द की टू देयर फंक्शंस. इंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शंस बाय हैविंग एन एक्टिव साइट टू बाइंड टू देयर सब्सट्रेट्स. Enzymes are biocatalysts which increase the rate of reaction by lowering down the activation energy of the reaction at the cellular level. Enzymes are highly sensitive to the
चेंजेज इन टेम्परेचर एंड पीएच, हायर टेम्परेचर एंड लो पीएच डिग्रेड्स द एंजाइम्स। जीन पी एंड क्यू आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग। अ डीफ मैन मैरिज अ डीफ वोमेन एंड ऑल दियर चिल्ड्रेन हैड नॉर्मल हियरिंग। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर, आंसर विल बी डी, कैपिटल पी डबल कैपिटल पी अ स्मॉल डबल क्यू एंड कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी कैपिटल की कैपिटल क्यू। द इफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ बोथ जीन्स आर नेसेसरी नॉर्मल हियरिंग देन पेरेंट मस्ट हैव बोथ डोमिनेंट एलील्स। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ डिजीज विथ इट्स एग्जाम्पल्स मेंशनड बिलो। आंसर विल बी सी, वायरल, डेंगू, चिकनगुनिया और कोविड। कोविड यहाँ भी आ गया। ओके, प्रोटोजोवन डिजीज इंक्लूड मलेरिया, अमीबियोसिस, कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। बैक्टीरियल डिजीज इंक्लूड टाइफाइड, कोलरा, लेप्रोसी एक्सेट्रा। हेलमिंथक डिजीज इंक्लूड एस्केरियासिस, इंसेक्लोस्टोमिया, मियाज, इंसेफ एलिफेंटेटिस एक्सेट्रा। वायरल डिजीज आर डेंगू, चिकनगुनिया एंड कोविड। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। आंसर विल बी ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन एनिमल सेल्स द लिपिड लाइक स्टेरॉयड हॉर्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लैक्सिजोम्स काउजेस द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन बाय द ग्लैगुलेट साइकिल। स्फेरोजोम्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। लाइजोजोम्स आर सुसाइडल बैग्स विच डिग्रेड द माइक्रो मॉलिक्यूल्स बाई प्रोसेसिंग द लाइटिक्स एंजाइम। फाइंड द नंबर ऑफ ए टी पी रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन स्टेप ऑफ द सी थ्री साइकिल इफ द साइकिल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल। आंसर विल बी बी 24 ए टी पी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉर्फिन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। फर्स्ट, इट इज अपोइड ड्रग्स विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये बिल्कुल हमारा सही होगा। सेकेंड यहाँ पे कह रहा है दैट केमिकल डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज कॉल्ड स्मैक और हीरोइन। ओके, तो ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है हीरोइन इज ऑब्टेंड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ कैनाबिस सैटिवा प्लांट। तो ये हमारा गलत होगा। द फोर्थ यहाँ पे कह रहा है हीरोइन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट एंड काउजेज हेलुसिनेशंस। तो ये हमारा गलत होगा, यानी फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ गलत है। लॉन्ग डे प्लांट शो फ्लावरिंग वेन। आंसर विल बी ए, द लाइट पीरियड इज ग्रेटर देन दियर क्रिटिकल फोटो पीरियड। द ल्यूटियल फेज इन द मेस्टुअल साइकिल ऑफ प्राइमेट इज ऑल्सो कॉल्ड। आंसर विल बी ए, सेक्रेटरी फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 to 14 days। द मेस्टुअल साइकिल हैज थ्री इंपॉर्टेंट फेजेज, फर्स्ट फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव फेज विच लास्ट फॉर अबाउट 7 to 9 days एंड इज हाईली वेरिएबल फेज। सेकेंड, ओवुलेटरी फेज, द एग रप्चर्स फ्रॉम द ओवरी ऑन 14th days। थर्ड, सेक्रेटरी फेज विच लास्ट फॉर अबाउट 13 to 14 days टिल द कॉर्पस ल्यूटियम इज सर्वाइव्ड एंड इज द मोस्ट कॉन्स्टेंट फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स इज नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल विच एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स एंड इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आंसर विल बी सी, कैल्शियम। रिपीटेड क्वेश्चन, द ट्रोफोब्लास्ट सेल आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। आंसर विल बी सी, वाइटल ऑर्गेन और इम्ब्रियो को फॉर्मेशन, वाइटल ऑर्गेन ऑफ द इम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। बाकी कोरियोनिक विलाई, प्रोटेक्टिव एंड ट्रॉफिक मेम्ब्रेन और फिटल प्रोपोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये सब होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज प्रोवाइड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन टू इनर मास सेल्स, हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई दैट आर फिटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। द लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर ग्रेस्टुलेशन गेट फॉर्म्ड इनटू द ट्रोफो एक्टोडर्म विच इज फ्यूचर फॉर्म्स द एक्टोडर्म ऑफ द इम्ब्रियो एंड गिव्स राइज टू द ऑर्गन्स दैट आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्मल लेयर। विच प्रोसेस
रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल? आंसर विल बी सी डीनाइट्रिफिकेशन। द बैक्टीरिया विच कैरी आउट डीनाइट्रिफिकेशन आर कॉल्ड डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, लाइक थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सीडोमोनास एंड माइक्रोकोकस। ऑल्सो अकर इन द सॉइल विच कन्वर्ट्स द नाइट्रेट एंड अमोनिया इन टू एटमोस्फेरिक फ्री एलिमेंटल नाइट्रोजन। द प्रोसेस इन विच मॉलिकुलर नाइट्रोजन इज रिलीज्ड बैक इन टू द एटमोस्फेयर बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज? आंसर विल बी डी ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल आर मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। क्लेविसेप्स पेजिजा एंड मोरकेला आर मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड इन एनिमल ब्रीडिंग? आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड गिव हाई रेट ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम सुपेरियर बुल, कैन बी यूज इमेडिएटली और कैन फ्रोजन एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर लेटर यूज, और द फ्रोजन सीमेन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड ट्रांसपोर्टेड। ओके, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे एपोमिक्सिस का होगा फोर यानी एस्टेरेसी फैमिली, पोलीएम्ब्रियोनी का थर्ड यानी मैंगो, पार्थेनोकार्पी का बनाना, और प्रोटो प्रोटो एंड्री का फर्स्ट यानी सनफ्लावर। यहाँ पे मैच द कॉलम है व्हीट रस्ट, एंटीबायोटिक्स मशरूम और एस्कोमाइसिटीज। तो ए का सेकेंड यानी पक्सिनिया, व्हीट रस्ट का पक्सिनिया, एंटीबायोटिक्स का फोर यानी पेनिसिलियम, सी का वन मशरूम का इडिबल होते हैं, और डी का थर्ड यानी एस्कोमाइसिटीज का थर्ड यानी सैक फंजाई बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो डी हमारा इनकरेक्ट है, ए इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 9 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। बाकी ए बी और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नियरली 45 to 50 million एटीपी एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीज वीडी, और द इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द टेक्निक इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया? आंसर विल बी बी हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज हिंट सेकेंड विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंट सेकेंड ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई रिकोगनाइजिंग अ स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर्स। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, आंसर विल बी ए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स तो फिल रीड कर लेंगे। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव, आंसर विल बी डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लांट में जो होगा वो ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जीएम क्रॉस फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सारे होंगे, ऑल ऑफ दीज। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल टू द बिलो मेंशनड क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है द जॉलेस एनिमल इन विच द बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इसका आंसर होगा लैम्प्रे। लैम्प्रे का ये जो है इसका अथी कैरेक्टर्स है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स दैट आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, तो ये कैरेक्टर
क्लेरियस के बारे में बताया गया है। थर्ड यहाँ पे द बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, इपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स। तो आंसर इसका होगा कैलोट्स के बारे में। और लास्ट यहाँ फोर्थ है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज। तो ये हमारा नियोफ्रन यानी नियोफ्रन यानी वल्चर बर्ड्स के बारे में बताया गया है। साइक्लोस्टोमाटा सच एज लैम्प्रेज जॉलेस एंड बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। ऑस्टिक्थीज सच एज क्लेरियस हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम। इन कैलोट्स द रेप्टाइल्स द बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स। नेफ्रॉन एंड इजिप्टियन वल्चर द स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। द पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। इट अकर्स व्हेन सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल दस प्रोड्यूसिंग वन एटीपी। द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड इन यूटिलाइज्ड फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैक्सिमम एटीपी इज जनरेटेड थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन बट ऑक्सीजन नेवर पार्टिसिपेट्स एज अ रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पायरेशन। आंसर विल बी ए इट इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिलीज हाइड्रोजन विच इज कैरिड बाई एनएडी प्लस और एफएडी प्लस। दिस हाइड्रोजन इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाई ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर। ऑक्सीजन फंक्शंस एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरो एलर्जेंस आर फाउंड इन विच प्लांट्स। आंसर विल बी पार्थेनियम, कैरोट ग्रास जिसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन अमॉन्ग नेरिस फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। आंसर विल बी डी सिलोमेट एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शोज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बट डज नॉट शो अप हिल ट्रांसपोर्ट। आंसर विल बी सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ टिपिकल सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज। आंसर विल बी सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल जो एब्सेंट होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके तो फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है द स्कल ऑफ ह्यूमन बेबी इज मोर लाइक एन एडल्ट चिंपाजी स्कल देन एन एडल्ट ह्यूमन स्कल। ओके तो ये हमारा गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे रिवर्स इसका जो है ट्रू होता है। सेकेंड यहाँ पे कह रहे हैं अबाउट टू माया स्टेरियोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड। थर्ड यहाँ पे कह रहे हैं द निडरटल मैन विथ अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 cc लिव्ड इन द नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। और फोर यहाँ पे है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सेकेंड और जो थर्ड है वो करेक्ट है यानी कि अबाउट टू माया ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। और थर्ड यहाँ पे जो है वो भी करेक्ट है यानी कि द निएंडरटल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc लाइव्ड इन द नियर ईस्ट एंड अफ्रीका बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। ओके और फर्स्ट और फोर्थ जो यहाँ पे वो रॉन्ग है। द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एन एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एन एडल्ट चिंपांजी स्कल। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 1800 ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग फीचर्स गिवेन बिलो। फर्स्ट सेल आर थिक एट कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेकेंड सेल्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड गेट एसिमिलेटेड।
इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एबसेंट. फोर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ. द फीचर डिस्क्राइब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी ए. कोलेनकाइमा के बारे में ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं. ए, माइटोसिस प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल. बी, यहाँ पे कह रहा है मियोसिस इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन ड्यू टू जीन एक्सचेंज और रिकम्बिनेशन. तो ए बी दोनों सही हो जाएंगे. सी, यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोजोम हैव टू क्रोमेटिड्स. तो ये हमारा गलत होगा. डी, यहाँ पे कह रहा है टेलोफेज वन मे बी एबसेंट. ओके, आइडेंटिकल डॉटर सेल के बारे में बता रहा है. तो डी हमारा जो है वो सही होगा, यानी कि आंसर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो आंसर हमारा सी होगा. ए बी डी एंड ए बी एंड डी आर करेक्ट है. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन मियोसिस ड्यू टू जीन एक्सचेंज विच अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. ड्यूरिंग एनाफेज ईच डॉटर क्रोमोजोम्स हैज वन क्रोमेटिड ओनली. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट इवोल्यूशन एक्सेप्ट. आंसर विल बी सी, यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं. ओके, इवोल्यूशन ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. ये हमारा सही है, बाकी ए बी और डी जो है वो इनकरेक्ट हैं. बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर कलेक्शन ऑफ. आंसर विल बी डी, एंडेमिक एंड एग्जोटिक लिविंग स्पीसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आंसर विल बी C80S राइबोसोम्स. द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, राइबोसोम ऑफ 20S टाइप, स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम विच आर 80S, एंड ऑल एंजाइम्स फॉर द डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फर्स्ट मैमल्स विच आर ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ वेर सिमिलर टू. आंसर विल बी सी, श्रियुज. द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर इज डिकम्पोज्ड इन. आंसर विल बी सी, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ये यहाँ पे कह रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैव एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज अ कैटलिस्ट. तो ये बिल्कुल सही है. बी यहाँ पे कह रहा है एयर एक्ट वाज एमेंडेड इन द ईयर 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज अ पॉल्यूटेंट. तो ये भी बिल्कुल सही है. सी यहाँ पे कह रहा है स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर. बिल्कुल सही. डी यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव 99% पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स. तो ये हमारा बिल्कुल सही है. आंसर विल बी डी, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. 3 Mile आइलैंड एंड चेर्नोबिल इंसिडेंट आर रिलेटेड टू. आंसर विल बी डी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. रिपीटेड क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम वन विथ कॉलम टू. ओके, मिथेनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन. तो आंसर होगा यहाँ 4, यानी हीमोग्लोबिन हैज Fe3+. बी का थर्ड यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होगा HB बाइंड्स टू ऑक्सीजन. सी का सेकेंड यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का सेकेंड होगा यानी हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू कार्बन मोनोक्साइड. और डी का फर्स्ट होगा यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का होगा फर्स्ट, हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू CO2. ओके, नेक्स्ट. वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज. आंसर विल बी सी, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटर्स. द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमिट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स बाय. आंसर विल बी डी, माइटोसिस ऑफ जेनरेटिव सेल. ओके, तो 90 में से 45 क्वेश्चन हो चुके हैं बायो में. 45 क्वेश्चन और देखते हैं बायो का फटाफट, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन ह्यूमंस. आंसर विल बी ए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स एंड फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम अकर्स.
Due to this, the volume of thoracic chamber increases from all sides, and this also increases the pulmonary volume and therefore decreases pulmonary pressure than atmospheric pressure. Select the incorrect statement from the following. Answer will be C, यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है. पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड फॉर ट्री एंड फॉर इकोसिस्टम इज दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी ए बी और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पेसिफिक लेवल एज सच. द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड और एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर लेवल. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट फूड चेन. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है जी एफ सी. यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है जी एफ सी इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है. सेकेंड यहाँ पे कह रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डिटाइटस फूड चेन इज नॉट डायरेक्टली द सन, तो ये भी बिल्कुल सही है. थर्ड यहाँ पे कह रहा है डिटाइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड टू ग्रेजिंग फूड चेन समवेयर, ये भी बिल्कुल सही है. फोर यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग फूड चेन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिक्रीज एट हायर लेवल्स, तो ये हमारा गलत होगा. डिक्रीज भी कर सकता है, नहीं भी डिक्रीज कर सकता है. आंसर विल बी सी. थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, वन फॉल्स. मेजर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम अकर्स थ्रू जीएफसी. इन डिटाइटेड फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड एंड वेस्टफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी रियूटिलाइज्ड. डीएफसी एंड जीएफसी आर इंटरकनेक्टेड एट सम पॉइंट इन नेचर. इन अ ग्रेजिंग फूड चेन द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मे और मे नॉट डिक्रीज एट हायर लेवल्स. द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड सच एज ग्लूकोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स बाय. आंसर विल बी डी, ऑल द एबव मेंशन्ड मेथड. यानी सिंपल डिफ्यूजन मेथड से भी होते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मेथड से भी होते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से भी होते हैं. द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मोनोसेक्राइड सच एज ग्लूकोज एंड सम एमिनो एसिड्स मे अकर बाई ऑल थ्री पॉसिबल है. यानी ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड. हाउ मेनी फ्रॉम द लिस्ट गिवेन बिलो रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन. ओके, ये यहाँ पे है एबंडेंट फार्म लैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, न्यूली कूल्ड लावा, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, और बेयर रॉक, और अ न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे जो तीन है वो प्राइमरी सक्सेशन शो करेगा. यहाँ पे जो होंगे वो होंगे न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक एंड न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड शोज प्राइमरी सक्सेशन. यानी आंसर विल बी थ्री. प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन एरिया दैट वाज नॉट प्रीवियसली इनहेबिटेड बाय एनी लाइफ फॉर्म्स. सच एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर लाइफ, दस मोर फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स. प्राइमरी सक्सेशन इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस. न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक एंड न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड शोज प्राइमरी सक्सेशन. द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स आर. आंसर विल बी डी, द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ बामस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन. द स्पेशलाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बामस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन सिलिट्स और सिलिट पोर्स थ्रू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स. एमंग द गिवन प्लांट ग्रुप्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई. आंसर विल बी डी, एंजियोस्पर्म्स. द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज बाई. आंसर विल बी बी, एडवर्ड विल्सन, असोसो बायोलॉजिस्ट. रिपीटेड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स केयरफुली. ओके, फर्स्ट यहाँ पे है अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड द बीट वॉल्यूम. सेकेंड यहाँ पे है द फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा विदाउट एनी एक्सेप्शन. थर्ड है हार्ट फेलियर सिंपली मीन्स वेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. फोर, हाइपोटेंशन लीड्स टू हार्ट डिजीज एज वेल एज डैमेज टू द ब्रेन.
किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्ट? आंसर विल बी सी, ओनली वन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। आंसर विल बी सी, वन स्टेटमेंट जो यहाँ पे जो है एक करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम SV इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। द फ्लूड कॉल्ड लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्मेड एलिमेंट्स। द कार्डियक अरेस्ट सिंपली मीन्स वेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। हाइपर टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज एज वेल एज डैमेज टू ब्रेन, किडनी एंड अदर वाइटल ऑर्गेन्स। प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान ट्री आर मीट फॉर, आंसर विल बी सी मैकेनिकल सपोर्ट। प्रॉप रूट्स आर हैंगिंग स्ट्रक्चर विच हैंग्स डाउन वर्टिकली फ्रॉम लार्ज ब्रांचेज ऑफ बनियान ट्री। दीज रूट्स दैट एंटर्स द सॉइल एंड बिकम्स थिक, दे फंक्शन एज पिलर विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री। हाउ मेनी लाइट क्वांटा ऑफ फोटोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ओ टू मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आंसर विल बी सी 8। अकॉर्डिंग टू क्वांटम रिक्वायरमेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 8 क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ए एंड सी आर वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैविंग अ वेरिड नंबर ऑफ स्पीसीज ग्लोबली, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ए जो होगा वो फिशेज हैं, सी यहाँ पे बर्ड्स होंगे। फिशेज हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी फॉलोड बाई बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड द मैमल्स। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनियल एंड मोनोकार्पिक प्लांट? आंसर विल बी सी सुगर बीट। बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। सुगर बीट, कैबेजेज, कैरट्स आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ अ बाइनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फ्यूनिकल, यहाँ पे फ्यूनिकल फिलीफॉर्म एपरेटस इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। तो फ्यूनिकल का होगा 4, यानी कनेक्ट प्लासेंटा एंड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्री फॉर्म अपरेटस का होगा 5th, यानी सिनर्जिड्स फॉर्म करते हैं। सी यानी इंटेगुमेंट का होगा 2nd, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और डी का 1st, यानी न्यूसेलस का होगा मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओके, द टी वेव ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट्स, आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। एंड रिपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। एंड्स ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बैक्टीरिया, मॉसेज एंड फंगस? आंसर विल बी बी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज कॉमन टू बैक्टीरिया, मॉसेज एंड फंगस। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इन मॉसेज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली सेलुलोज एंड इन फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन नेवर हेल्प्स इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन एनी वर्टिब्रेट एट एनी स्टेज ऑफ दियर लाइफ? आंसर विल बी डी किडनी। वर्टिब्रेट्स सच एज एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर मायोजेनिक हार्ट विथ 2 एट्री एंड सिंगल वेंट्रिकल। इन एम्फीबियंस द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। इन एमनियोटा ग्रुप दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायरेशन इज मेनली पल्मोनरी। इन फिशेज इट इज थ्रू गिल्स। इन वर्टिब्रेट्स द किडनी इज मेनली इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड उगेमस टाइप। इन आंसर विल बी सी क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। सेलेक्ट द पेयर ऑफ हॉर्मोन्स हैविंग अ सिमिलर मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन। आंसर विल बी सी ऑक्सीटोसिन एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, तो
तो सबसे पहले यहाँ पे थर्ड होगा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, देन सेकेंड यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, उसके बाद फोर्थ फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, देन फिफ्थ यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और लास्ट में होगा वन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ गिवेन हॉर्मोन्स। आंसर विल बी डी एंड्रोजेन स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएटिस। पैराथर्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, वेयर एज कैसेटोनिन हार्मोन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। कॉर्टिसोल हार्मोन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, देयर फॉर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एन ए प्लस, वेयर एज वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड हेंस कंसेंट्रेट यूरिन। द टेस्टिस सीक्रेट एंड्रोजेन विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गेन्स। अपेयरेंस ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबोलिक पाथवेज एंड इरिथ्रोपोएसिस। द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज नोन एज। आंसर विल बी सी ब्रैक्ट। एपिपेटलस स्टामेन आर फाउंड इन, आंसर विल बी बी ब्रिंजल में यानी सोलनेसी फैमिली में होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, आंसर विल बी सी हाइपोथैलेमस। नेम द फैमिली टू विच द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स। एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल, के टू प्लस टू, सी फोर, एंड्रोसियम टू प्लस फोर और जी टू फ्यूज्ड। आंसर विल बी सी ब्रैसिकेसी फैमिली। रिपीटेड क्वेश्चन। फाइंड आउट द सेट ऑफ बोन्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्जियल स्केलेटन। आंसर विल बी ए क्लेविकल, स्कैपुला और कॉक्जल बोन्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर विल बी डी द स्प्रिंग वुड इज डार्क इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी। तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट है, बाकी ए बी और सी जो है सही है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जाइलम हैविंग वेसल्स विथ वाइडर ल्यूमेन। द स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड, और इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स लेस जाइलम एलिमेंट्स हैविंग नैरोवर वेसल्स। दिस इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। द ग्लोबुलर हेड ऑफ हेवी मेरोमायोसिन पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन हैज। आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज, यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट्स और एटीपी एज एंजाइम एक्टिविटी। ईच मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, द हेवी मेरोमायोसिन HMM एंड लाइट मेरोमायोसिन LMM। द हेवी मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबुलर हेड एंड अ शॉर्ट आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपी एज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। द फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस रिसीव्स द मटेरियल्स पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआरईज। आंसर विल बी ए सिस फेज फेस। द गोल्जी एपरेटस सिस्टर्नी आर स्फेरिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्रेजेंट वन ऑन अनदर एंड आर कर्व्ड। कर्वेचर रिजल्ट्स इन गोल्जी एपरेटस सिस्टर्नी आर स्फेरिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट वन ऑन अनदर एंड आर कर्व्ड। कर्वेचर रिजल्ट इन सिस एंड कॉन्वेक्स फेस टुवार्ड्स द न्यूक्लियस एंड कनकेव और ट्रांस फेस टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। मेटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेस। सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विथ द फंक्शंस मेंशनड बिलो। फर्स्ट यहाँ पे है इट कंटेन्स एसोसिएशन एरियाज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमारा जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बता रहा है। सेकेंड यहाँ पे कर रहा है इट कंट्रोल्स ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूड्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये जो है करेक्टर हमारा हाइपोथैलेमस का है। थर्ड यहाँ पे करा इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। तो ये हमारा जो है हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम का कैरेक्टर है। फोर यहाँ पे लास्ट है
इट कंट्रोल्स कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। तो ये हमारा मेडुला के बारे में फंक्शन इसका है। ओके, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स इन माइटोसिस, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सिंसिटियम, तो ये भी बिल्कुल सही है। फॉर फॉर्मेशन अकर्स इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आंसर डी, ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द न्यूरॉन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन हैज, आंसर विल बी ए, सेल बॉडी विथ वन एक्जोन ओनली। रिपीटेड क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड इन, आंसर विल बी डी, बटर कप। रिपीटेड क्वेश्चन था। व्हाट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आंसर विल बी सी, इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड इन एनएडीएच प्लस एच प्लस एंड एफएडीएच टू इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपीएच, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन प्रोडक्शन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर कैरियर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन ईटीएस, दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 एंड दस एटीपी आर सिंथेसाइज्ड। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए बी ब्लड ग्रुप वोमेन, विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट द मैन इज नॉट होमोजाइगस, आंसर विल बी बी बी। ओके, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स, तो फिर रीड कर लेंगे। ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। ओके, आंसर विल बी बी। यह मैच द कॉलम है, ये यहाँ पे कह रहा है रेड रॉट ऑफ सुगर केन, तो आंसर होगा 4, फंजाई कॉज करते हैं। रूट नॉट ऑफ टोबैको, थर्ड यानी निमेटोड कॉज करेंगे। और ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करते हैं बैक्टीरिया। टर्निप मोजैक कॉज करते हैं वायरस। वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ क्रॉस हैज अ म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रियल जीन इन अ क्रॉस, दिस वॉज टेकन एज मेल पेरेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ F2 प्रोजेनिज, दिस म्यूटेशन इज फाउंड इन, आंसर विल बी डी, नन ऑफ द प्रोजेनिज। इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आंसर विल बी सी, मेजोडर्म इज एबसेंट बट मेजोगिलिया इज प्रेजेंट। Which of the following is not true for an anticodon? Answer will be B. It is the basic unit of genetic code. ये जो हमारा है वो not true about anticodon है, बाकी A, B, A, C और D जो है करेक्ट है। It consists of 3 nucleotides. It is present on tRNA molecule और it may pair with more than one codon. Basic unit of genetic code is codon, which is present on mRNA. कोडोन इज सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए व्हिच स्पेसिफाइज वन एमिनो एसिड। इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। थायमिन 20% है तो हमारा एडेनिन भी 20% हो जाएंगे, तो बाकी टोटल हो गए 40%, तो 60% में आ जाएंगे गुआनिन और साइटोसिन, तो 30% गुआनिन होंगे और 30% साइटोसिन होंगे। आंसर विल बी सी, 30%। गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन, आंसर विल बी डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, कार्डिक मसल्स और सिंगल यूनिट मसल्स में होते हैं। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स। गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू एंड सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आंसर विल बी ए, ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ये जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी बी सी डी जो है करेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन mRNA टू सिंथेसाइज प्रोटीन, रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और ओपेरॉन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रोमोटर एंड इनहिबिटर। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एरम सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ था, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए जो गलत होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, उसका रोल है क्या क्या, तो इसका हमने ट्रिक बना रखा है, बहुत इजी ट्रिक है, चैनल पे देख सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, अगर वहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो आप चैनल की वीडियो पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। यहाँ पे स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज और लाइपेज, तो स्टैटिन का होगा सी, यानी कि लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, साइक्लोस्पोरिन का होगा डी, यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज का होगा बी, यानी रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, और फोर लाइपेज का होगा ए, यानी रिमूवल ऑफ आयल स्टेन्स। ओके, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट डी होगा, प्लाज्मिड इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग लीनियर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, तो ये हमारा गलत होगा, सर्कुलर होते हैं, बाकी ए बी और सी जो है वो सही हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जेनेटिक इंजीनियरिंग अलोज अस टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल सेट ऑफ जीन्स विदाउट द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, तो ए बी सी सही है और डी जो हमारा फॉल्स है। द प्लाज्मिड इज सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन जीनोम एंड कैन फॉर्म हाई कॉपी नंबर इन द सेल। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे एनटीएम अभ्यास मॉक टेस्ट के। अब आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, एनर्जी लेवल ऑफ ए बी सी ऑफ अ सर्टेन एटम कोरिस्पॉन्ड्स टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जीज दैट इज ए इज लेस देन ए बी इज लेस देन ई सी, इफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कोरिस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन सी टू बी टू, ट्रांजिशन सी टू बी, बी टू ए एंड सी टू ए रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी बी, लेमडा 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। 0.15 मोल ऑफ पायरिडिनियम क्लोराइड हैज बीन एडेड इनटू 500 सीएम क्यूब ऑफ 0.2 एम पायरिडिन सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम इच, आंसर विल बी बी 5 एंड 10^-9 मोल पर लीटर, आंसर विल बी बी। विच अमाउंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एल कॉन्फिगरेशन, आंसर विल बी सी। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेल हुज सेल रिएक्शन इज पीबी सॉलिड प्लस HCl2 एक्वस गिव्स PbCl2 एक्वस प्लस HG, डी बाई डी टी इंटू पी, यहाँ पे जो है वो 1.5 × 10^-4 है एट 298 केल्विन, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन विल बी, आंसर विल बी बी 28.95। विच ऑफ द फॉलोइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज इन करेक्ट, आंसर विल बी बी जो है हमारा यहाँ पे इन करेक्ट है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल एक्राइलेट, आंसर विल बी ए 11 पाई एंड 2 पाई, सॉरी 11 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे हैं। इफ द रेडियाई ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड ए बी आर 96 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, देन एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ए बी विल बी, आंसर सॉरी आंसर विल बी यहाँ पे बी होगा, ऑक्टा हेड्रल। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ बेंजीन है प्लस रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेंजीन प्लस CH2CH3 यहाँ बना रहा है, इन द एवर रिएक्शन रिएजेंट कैटलिस्ट विल बी, आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दी, यानी कि सारे यहाँ जो रिएजेंट है वो अप्लीकेबल होंगे। एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 10^-3 मीटर क्यूब टू
10^-2 m³ एट 300 केल्विन एट अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 10^5 न्यूटन/m² द वर्क डन ऑन इट ईच आंसर विल बी ए -0.9 kJ. Which one of the following arrangement of molecules is correct on the basis of their dipole moments? Answer will be D, NH3 सबसे ज्यादा, then NF3, then BF3. Repeated question ये भी है. The conductivity of 1 × 10^-3 m acetic acid is 5 × 10^-5 Se minus 1 and lambda naught is 390.5. The dissociation constant of acetic acid is answer will be C, 18.78 × 10^-6. In the reaction product formation takes place by Sadiljev rule. Answer will be A. The coagulation of 100 ml of colloidal solution and solution of gold is completely prevented by addition of 0.25 gram of substance X to it before addition of 1 ml of 10% NaCl solution. The gold number of X is answer will be B, 25. The magnetic moment of complex given below are in order. Answer will be B, सबसे ज्यादा 4 होगा यानी NaCl4. Then third यानी Mn. थर्ड यहाँ पे Cr NH3 होल 6 3+, उसके बाद सेकेंड यानी MnCn6 होल 4 माइनस, और सबसे कम होगा 1 यानी NiCO4. आंसर विल बी B. ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Sn2+ आयंस इज आंसर विल बी A, 1/3. इन द गिवन रिएक्शन CH3C(OO)CH3CH3 एक्स और वाई यहाँ पे क्या होगा, तो आंसर हम यहाँ ये होगा CH3CH2OH एंड CH3CH3CH3OH. ऑन Fe2O3 सॉलिड प्लस 3/2 कार्बन सॉलिड गिव्स 3/2 CO2 गैस प्लस 2 Fe सॉलिड डेल्टा एच नॉट इक्वल टू +234.1 kJ. कार्बन सॉलिड प्लस ओ टू गैस गिव सीओ टू गैस डेल्टा एच नॉट इक्वल टू -393 kJ. यूज दिस इक्वेशन एंड डेल्टा एच नॉट वैल्यूज टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन. फॉर Fe सॉलिड प्लस 3 O2 गैस गिव 2 Fe2O3 सॉलिड. आंसर विल बी ए, -1648.7 kJ. अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आंसर विल बी डी, 1, 2 देन 4 उसके बाद 3. इन द प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग 1 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड व्हेन 4 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लोज फॉर 2 मिनट्स. द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाई 6 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लोइंग फॉर 40 सेकेंड विल बी आंसर विल बी बी, M/2. द कम्प्लेक्सेज CONH3O4H2OCl Br2 एंड CONH3O4Br2Cl.H2O आर एग्जाम्पल्स ऑफ. आंसर विल बी ए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. बी ओ एच होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स Na(BO)2 प्लस NaBOH4 प्लस H2O. हाउ कैन दिस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आंसर विल बी ए, एडिशन ऑफ सिस 1,2-diol. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1 मोल ए पी नॉट ए इक्वल टू 150 टॉर एंड 2 मोल बी पी नॉट बी इक्वल टू 240 टॉर इज 200 टॉर. इन दिस केस आंसर विल बी बी, देयर इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. आंसर विल बी ए, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. विच कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज.
यानी कि 2 ब्यूटेनॉल, 2 एमिनो ब्यूटीन, ब्यूटेन और लैक्टिक एसिड। विच एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रोजिनेशन? आंसर विल बी ए C3CHOH CH2NO2। इन द गिवन रिएक्शन C3CH2 C3CH फर्स्ट BH3 और सेकेंड है H2O2 और OH के साथ रिएक्शन करवा रहा था, एक्स क्या होगा? यहाँ पे एक्स होगा ब्यूटेनॉल। आंसर विल बी ए। सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन्स बिकॉज AGI। आंसर विल बी ए इज इजी टू स्प्रे एट हाई एल्टीट्यूड। द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कंटेंस। आंसर विल बी DAU only। द गिवेन डाटा फॉर द रिएक्शन 2NO गैस + Cl गैस गिव्स 2NOCl एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे कह रहा है द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आंसर विल बी यहाँ पे बी होगा, रेट इक्वल टू Cl2 और NO2 का 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर SOOS लिंक इज प्रेजेंट? आंसर विल बी बी मार्शल्स एसिड। इन द गिवन रिएक्शन CH3CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई एथर प्रोडक्ट विल बी? आंसर विल बी सी मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन इथीन एंड इथेन। कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H10Cl2 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ कीटोन, देयर फॉर एक्स विल बी? आंसर विल बी डी CH3CH2CH2CClCl CH2CH3। द गिवेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड विल एग्जिस्ट एट विच pH? आंसर विल बी C6। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है। द येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गेव अ कलरलेस गैस एक्स ऑन रिएक्शन विथ फ्लोरीन विच इज थर्मली स्टेबल एंड हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्स कैन बी? आंसर विल बी CSF6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन डीहैलोजिनेशन गिव्स 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन? आंसर विल बी ए। इन द गिवन रिएक्शन CH3CN + CH3CHO X विल बी, यहाँ पे जो एक्स होगा वो होगा हमारा CH3CH CN। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इवन रिएक्शन? आंसर विल बी ए। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर? आंसर विल बी बी C6H5C OO और NH2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर लिबरेटेड व्हेन 1 मोल हाइड्रेटेड MgCl2 इज हीटेड? आंसर विल बी B5। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम? आंसर विल बी ए 2.57×10^21। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक रिस्पेक्टिवली? आंसर यहाँ जो है मोस्ट एसिडिक यहाँ पे होगा 4 यानी SO3, और मोस्ट बेसिक यहाँ पे मोस्ट एसिडिक यहाँ SO3 है, और मोस्ट बेसिक यहाँ पे सेकेंड होगा यानी K2O। C6H6S इन प्रेजेंस ऑफ CH3COCl और AlCl3 जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ZnHg और HCl के साथ। यहाँ प्रोडक्ट जो हमारा पी बना रहा है, पी यहाँ पे क्या होगा? आंसर विल बी बी C6H5CH2CH3। सैलिसाइल्डिहाइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बाई? आंसर विल बी बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। C6H5CHOH CH3 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस? आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होंगे। विच हैलोजन ऑक्सीडाइजेज वाटर एट रूम टेम्परेचर बट डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इनटू इट? आंसर विल बी ए F2। ओके, ये सारे थे हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट के वीडियो आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ फिजिक्स का देखते हैं। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाई हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विल बी आंसर विल बी C3। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एच बाई पाई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आंसर विल बी B3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल फॉर द मास पर यूनिट लेंथ लेमडा इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई एल, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड इज, आंसर विल बी A 3L/4। अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विथ स्पीड वी मेक्स वन डायमेंशनल कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। दे आर इन कॉन्टेक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन देम वेरीज एज शोन इन द ग्राफ, एंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फॉर द कोलिजन विल बी, आंसर विल बी B 1/2। अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल स्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम सस्पेंडेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ अ स्मॉल एल इज मेड टू स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 mg, देन द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्टिकल कैन बी, आंसर विल बी C 60 डिग्री। टू आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स 1 Ampere meter cube each placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipole each, answer will be B√5 × 10⁻¹⁷ Tesla. Two bulbs of equal power are connected in parallel and they totally consume 110 watt at 220 volt. The resistance of each bulb is, answer will be D 880 ohm. A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 2950 ohm in series shows full scale deflection of 30 divisions. The additional series resistance required to reduce the deflection is 20 divisions each, answer will be B 1500 ohm. A particle of mass capital M and charge Q is attached to a string of length L. It is whirled in a vertical circle in a field E. The speed of the particle at point A, so that the tension in the string at A is 10 times the weight of particle each. Answer will be B under root L 9G plus QE by M. In the given circuit, switch K is open. The charge on the capacitor is C in steady state is Q1. Now the key is closed and steady state charge on C is Q2. The ratio of charges Q1 by Q2 each. Answer will be A 3 by 2. An ideal coil of 10 Henry is connected in series with a resistance of 5 ohm and a battery of 5 volt. 2 seconds after the connection is made, the current flowing in ampere in the circuit is, answer will be A 1 minus e to the power minus 1. A metal rod of resistance 20 ohm is fixed along a diameter of conducting ring of radius 0.1 meter and lies on xy plane. There is a magnetic field B vector equal to 50 Tesla K cap. The ring rotates with an angular velocity omega equal to 20 radian per second about its axis. An external resistance of 10 ohm is connected across the center of the ring and rim. The current through external resistance is, answer will be B 1/3 ampere. The escape velocity from the Earth is 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density as that of the Earth is, answer will be C 22 km per second.
टू मेटालिक स्फेयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर सस्पेंडेड बाई टू स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ एल. द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स इज एल. द एंगल विच द स्ट्रिंग्स विल मेक विथ द वर्टिकल ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ द स्फेयर्स ईच. आंसर विल बी सी 10 वर्स जी एम बाई जी एल स्क्वायर. फाइव रॉड्स ऑफ सेम डायमेंशंस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. दे हैव थर्मल कंडक्टिविटीज के वन के टू के थ्री के फोर एंड के फाइव. वेन पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर नो हीट वुड फ्लो थ्रू सेंट्रल रॉड इफ. आंसर विल बी ए के वन इंटू के फोर इक्वल टू के टू इंटू के थ्री. पीवी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज एज शोन इन द डायग्राम. वर्क डन बाई द गैस इन द प्रोसेस ए बी सी डी इज. आंसर विल बी सी 3 P0 V0. एन आइडियल गैस गामा इक्वल टू 1.5 इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली. हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स हाफ. आंसर विल बी बी 16 टाइम्स. द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाई अ करेंट फ्लो ऑफ 20 एम्पियर ओवर 1 आवर 30 मिनट पीरियड इच. आंसर विल बी बी 10.8 × 10^4 कूलम्ब. अ थीन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ डेंसिटी रो इज मोर देन रो इज पॉजिटिव यानी मोर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पर यूनिट एरिया. द डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क इज. आंसर विल बी डी पाई आर टू द पावर 4/4 ओमेगा × रो. अ जगलर थ्रोज बॉल्स इंटू द एयर. ही थ्रोज वन व्हेन एवर द प्रीवियस वन इज एट इट्स हाइस्ट पॉइंट. इफ ही थ्रोज एन बॉल्स इच सेकेंड द हाइट टू विच इच बॉल विल राइज इच. आंसर विल बी ए जी बाई 2n². अ प्रोजेक्टाइल इज गिवेन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड वेयर आई इज अलॉन्ग द ग्राउंड एंड जे इज अलॉन्ग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज. आंसर विल बी बी वाई इक्वल टू 2x − 5x² A force F equal to 75 Newton is applied on a block of mass 5 kg along the fixed smooth incline as shown in the figure. Here gravitational acceleration g equal to 10 meter per second square the acceleration of the block is. Answer will be B 10 meter per second square upwards the incline. मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच 50 kg बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवेन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.3 एंड जी इक्वल टू 10 m/s². आंसर विल बी 3 m/s². द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज 9750 काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू 0 एंड 975 काउंट्स पर मिनट एट टी इक्वल टू 5 मिनट्स. द डीके कॉन्स्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली. आंसर विल बी सी 0.461 per minute. इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट टाइम टी वन इज आर वन एंड एट अ लेटर टाइम टी टू इट इज आर टू. इफ द डीके कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लेमडा देन आंसर विल बी ए आर वन इक्वल टू आर टू ई टू पावर माइनस लेमडा टी वन माइनस टी टू. Two identical blocks A and B, each of mass a small m, resting on a smooth floor, are connected by a light spring of natural length L and the spring constant K with the spring at its natural length. A third identical blocks at C, mass m, moving with speed V along the line joining A and B, collides with A. The maximum compression in the spring is proportional to. Answer will be A, B by under root m by 2k.
A particle is executing SHM along a straight line. Its velocities at distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is. Answer will be b 2 pi under root x1, 2 pi under root x2 square minus x1 square by v1 square minus v2 square. The difference between kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface by the light of wavelength 2500 angstrom and 5000 angstrom will be. Answer will be b 2.47 electron volt. About 5% of the power of a 100 watt light bulb is converted to visible radiation, and the average intensity of visible radiation at a distance of 1 meter from the bulb is. Answer will be a 0.4 omega meter square per meter square. A pressure at the bottom of tank of liquid is not proportional to. Answer will be b the area of the liquid surface. Take bulk modulus of water b equal to 2100 mega pascal. What increase in pressure is required to decrease the volume of 200 liters of water by 0.004%? Answer will be b 84 kilopascal. A ray of light traveling in medium A is incident on the plane interface of two medium A and B, and gets refracted into medium B. The angle of incidence is I, and that of refraction is a small r. The graph between sin I and sin r is as shown in the diagram. The correct statement among the following is. Answer will be A. Speed of light in medium is B. In medium B is 3/4 of that medium in medium A. A point object O is placed on the principal axis of convex lens of focal length f equal to 20 cm at a distance of 40 cm to the left of it. The diameter of the lens is 10 cm and I is placed 60 cm to the right of the lens and a distance h below the principal axis. The maximum value of h to see the image is assumed paraxial approximation to be valid here. Answer will be b 2.5 centimeter. A tangential force F acts at the top of a thin spherical shell of mass m and radius r. The acceleration of the shell if it rolls without slipping is. Answer will be b 6f by 5m. The moment of inertia of a thin uniform rod of length L and mass capital M about an axis passing through a point at a distance of L by 3 from one of its end and perpendicular to the rod is. Answer will be B ML square by 9. A transistor is connected in common emitter C configuration. The collector supplies 8 volt and the voltage drop across the resistor of 800 ohm in the collector circuit is 0.8 volt. If the current gain factor alpha is 0.96, then the change in the base current is. Answer will be a 1/24 milliampere. The value of beta of a transistor is 19. The value of alpha will be. Answer will be d 0.95. The efficiency of the Carnot engine is 50% and the temperature of sink is 500 Kelvin. If the temperature of the source is kept constant and its efficiency range is 60%, then the required temperature of the sink will be. Answer will be C 400 Kelvin. The dimension of E square by 4 pi epsilon naught hc, whereas E epsilon naught h and c are electronic charge, electric permittivity, Planck constant and velocity of light in vacuum respectively are. Answer will be A m0 l0 t0. When an open pipe is closed from one end, then the third overtone of the closed pipe in higher each frequency by 150 hertz than the second overtone of an open pipe. The fundamental frequency of the open end pipe will be. Answer will be D 300 hertz.
When a thin transparent sheet of refractive index mu equal to 3 by 2 is placed near one of the slit in YDSC, the intensity at center of screen reduces to half of a maximum intensity, then minimum thickness of sheet should be. Answer will be C lambda by 2. The extension in a string obeying Hooke's law is x. The speed of sound in the stretched string is v. If the extension in string is increased to 1.5x, the speed of sound will be, answer will be A, 1.22 volt. A traveling wave represented by y equal to A sine omega t minus kx is superimposed on another wave represented by y equal to A sine omega t plus kx. The resultant is, answer will be A, a standing wave having nodes at x equal to n plus 1 by 2 lambda by 2, n equal to 0, 1, 2, 3 respectively. Force F equal to minus k y I cap plus x j cap, where k is a positive constant, acts on a particle moving in xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to point A, 0 and the parallel to y-axis to the A and A. The total work done by the force F on the particle is, answer will be C minus k alpha minus k a square. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का और हमारा वीडियो का भी है. इन द डायग्राम शोन द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स पोजिशन एक्स फ्रॉम द ऑरिजिन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अ पार्टिकल एट. आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज. ओके, ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो क्वेश्चन टेस्ट नंबर 94 के. ओके, वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही सारे वीडियो आते रहेंगे मॉक टेस्ट के. ओके, और जिन्हें भी एनटीए मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.